ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माधव मास में कही जाने वाली कथा। पहले हमने आपको बंदरिया की कथा सुनाई, जिसमें बंदरिया को विशाख माँ के पुण्य से राजमहल मिला, पुत्र मिले, पोत्री मिले। और अब हम आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं लकड़हारा और उसकी पत्नी की, जिसको विशाख मास के स्नान से बहुत पुण्य मिला। तो आइए सुनते हैं कि उसको क्या पुण्य मिला। एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे और बहुत ही गरीब जोड़ा था। लकड़ी काट कर बेचते और उसी से अपने घर का गुजारा करते। वो पति डेली जाता, लकड़ी का गट्ठा काटता और उसे बेचकर ही घर का पालन पोषण करता। विशाख का महीना आ गया। आजू बाजू की जो औरतें थीं वो विशाख नहाने लगीं। वो और जो गरीब थी वो बोली, मैं भी नहाऊंगी। अब औरतें उनसे मजाक करें, अरे तू कैसे नहाएगी, तुझे पता भी है कि विशाख सिर्फ नहाना नहीं होता, उसके ऊपर ब्राह्मण भी जिमाने होते हैं, पूजा पाठ करना होता है, तेरे से इतना खर्चा कहाँ होगा, तेरा तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से चलता है। वो बोली, नहीं मैं भी नहाऊंगी। उसने मन में ठान लिया। विशाख का महीना आया और वो डेली स्नान करने लगी। डेली स्नान करती, पूजा पाठ जो इतना बनता करती, पीपल सींचती, आंवला सींचती और अपने पति के जो लकड़ी का गट्ठा था उसमें से डेली एक लकड़ी निकाल लेती। ऐसा करते एक महीना हो गया। अब पति ने क्या किया, वो एक एक बची हुई लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया, क्योंकि अब महीना था, पूरा महीना लकड़ी का में से लकड़ी निकाली तो एक गट्ठा तैयार हो गया। अब पत्नी थोड़ी समझदार थी, उसने क्या किया, भगवान का नाम लिया, उन लकड़ियों का जो गट्ठा था उसको बांध लिया और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ी। अब उसको क्या पता कि उसके पूजा के फल से, व्रत के नहाने के, विशाख मास के फल से वो जो लकड़ियों का गट्ठा था वो चंदन का हो गया। राजमहल से होकर जब वो निकली राजमहल के पास से, तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आई, तो पता लगा कि नीचे कोई लकड़ियाँ बेचने वाली आई है और वो लकड़ियों का गट्ठा बेचना चाहती है। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की क्या कीमत लोगी, तो वह बोली, जितना आप चाहे दे उतना दे दे, मुझे तो बस 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊँ, इतना सामान चाहिए। अब उस बेचारी को क्या पता कि ये लकड़ियाँ जो मैं रोज़ चुराती थी एक एक करके, ये तो पूरा का पूरा बंडल जो है जो इतना महंगा चंदन का हो गया। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमने जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद भी लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको आने में थोड़ी देर हो गई। उधर ब्राह्मणों ने भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी, ब्राह्मण देवता जब उसकी झोंपड़ी से खुश होकर गए, पकवान खाकर गए तो आशीर्वाद दे गए। अब क्या देखते हैं कि भगवान और ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से उनकी रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए हैं। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसने अपनी झोंपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसनों से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो भाई, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारी पत्नी जाने। अब देखा जाए तो आग लगा दी, कि तुझे क्या, तू तो बाहर रहता है, तुझे क्या पता तेरी पत्नी है ना क्या करती है। इतने में उसकी पत्नी आ गई, पति से बोली कि ये अपना घर है, अंदर आइए। पति को गुस्सा आ गया कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरी ये घर तो महल की तरह लग रहा है। बोला, तूने चोरी की है, डाका डाला है, अचानक कितना दिन कहाँ से आ गए। तब वो बोली, मैंने विशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचे, आंवला सींचा, भगवान ने मुझ पर कृपा करी है, मैंने ब्राह्मण देवता जिमाए, तो आपकी लकड़ियों में से रोज़ मैं एक लकड़ी निकालती थी, वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया जिससे ब्राह्मण देवता जिमाए जाए और उन्हें दक्षिणा दी जाए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल है जो हमें भगवान ने ये सब दिया। जब पति को तसल्ली आई, दोनों पति पत्नी के साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे सबके भरना, खोटी की खरी
अधूरी की पूरी जानना। हे विष्णु भगवान, जो जो भी ये कथा सुन रहा है उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये थी हमारी एक पति पत्नी गरीब लकड़हारे की कहानी। कहा जाता है कि इसको भी डेली सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं जो विशाख मास में कही जाती हैं लेकर आए। जय श्री कृष्ण।